Okay, class 9. Today we are doing exercise 1.5, right? In first question, there is classify number as a rational and irrational. This is 2 minus root 5. ये root, prime number का root हमेशा irrational होता है और whole number जो है हमेशा rational होता है. Rational में irrational को add करो, subtract करो, divide करो या multiply करो. Almost वो every 99% irrational ही होता है. तो ये rational माइनस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल. तो इसका आंसर क्या है? इरेशनल, राइट. सेकेंड पार्ट, 3 + √23 - आप देख रहे हो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों कैंसिल. बचा क्या आपके पास? ओनली 3. 3 एक होल नंबर है, 3/1 लगा सकते हो. तो ये क्या है? रैशनल. नेक्स्ट इज 2√7 / 7√7. रूट सेवन से रूट सेवन कैंसिल बिकॉज डिवाइड में है. आंसर आ गया 2/7, वो क्या है? रैशनल. 1/√2, अगर आप इसको रैशनलाइज भी कर लेते हो, 1/√2 इंटू रैशनलाइज से भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप डायरेक्ट कर लो. मैंने ही बताया अगर आप इरेशनल नंबर से डिवाइड भी करते हो तो भी वो क्या आता है? इरेशनल. तो ये रूट इरेशनल हो गया. पाई हमेशा इरेशनल होती है. पाई से 2 को मल्टीप्लाई भी कर दोगे तब भी वो इरेशनल ही रहेगी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, सिंप्लीफाई करना है आपने इसको. सिंप्लीफाई की मीन्स मल्टीप्लाई. जैसे आपने 8 क्लास में सीखा था, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6. अब 3 को √2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 3√2. 2 को √3 से किया, 2√3, एंड √3 को √2 से किया, √3√2, राइट. 6 + √2 + 2√3 + √ वाले दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे? √6. बाकी सब कुछ एज इट इज, क्लियर. ये सब आपस में ऐड नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखो इसके पीछे कुछ भी नहीं है, इसके पीछे √2, इसके पास √3, इसके पास √6 है. सबके पास डिफरेंट बैक साइड पे नंबर्स हैं, इसलिए हम इसे ऐड नहीं कर सकते, क्लियर. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 3 + √3, 3 - √3. देखो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी, दोनों ही आइडेंटिटी बन रही है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 क्लास में पढ़ चुके हो. तो ये 3 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9. √3 से स्क्वायर कट गया, 9 में से 3 गए 6. 6 कैसा होता है? रैशनल. सी पार्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी कि √5 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + 2 × √5 × √2. स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 टू टाइम्स दोनों रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 × 2 = 7 + √10. दिस इज द आंसर. नाउ कम टू द डी पार्ट, अगेन इट्स आइडेंटिटी. सेम नंबर है देखो, ए माइनस बी, ए प्लस बी. तो आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25 - √2 से स्क्वायर कैंसिल, इट्स 2, दैट इज 23, क्लियर. ये भी आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन, पाई इज इक्वल टू सी बाय डी बाय दिस फॉर्मूला. यू कैन से दैट पाई इज इरेशनल, जस्टिफाई. देखो अगर सर्कमफ्रेंस की वैल्यू, सपोज करो एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो आपको 49 दिया हुआ और डायमीटर 7 दी हुई है, तो काट के पूरा रैशनल आ रहा है. तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि पाई हमेशा इरेशनल होती है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है. तो इसका आंसर हम जस्टिफाई कर रहे हैं, जब भी हम मेजर करते हैं सर्कमफ्रेंस को या किसी आर्क को सर्कल की यूजिंग स्केल या थ्रेड से, तो क्या देखोगे आप? एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगी आपको. अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगी तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी. अगर एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो सी बाय डी जो है वो इरेशनल है, इसलिए वो हमेशा इरेशनल रहेगा. नेक्स्ट है,